फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शालिमा प्रोडक्शन शेयर की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडे दिन कि इसके अंदर आने वाली है खुशखबरी, तो फ्रेंड्स आज इसके अंदर खुशखबरी आ चुकी है और आज ये शेयर अपने हाई पे आ चुका है और ये अपर सेक्टर में जाने को तैयार है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको सटीक जानकारी दी जाती है। इस शेयर के बारे में मैंने आपको जो भी बताया, चाहे आपको मैंने बाई किया इसको 49 पैसे बाई करवाया इसको, और जो मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 1 रुपये का, वो भी सक्सेस हुआ, और जो मैंने आपको दूसरा टारगेट दिया था 1 रुपये 20 पैसे का, वो भी पूरा हुआ। और उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर से ये शेयर 1 रुपये के आसपास आएगा। तो दोस्तों, अभी तक जैसा मैंने आपको बताया सेम वैसे ही हुआ। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? जब हम किसी शेयर में पूरे मन से लग जाते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, और दोस्तों जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है उस बेस पे आप पता कर सकते हैं कि शेयर कहाँ तक जा सकता है, कब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कब आपको इसमें एंट्री लेनी है या कब आपको एग्जिट होना है। दोस्तों, मैंने आपको शुरू से बता रखा है कि ये शेयर आपको 49 पैसे बाई करना था, जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको 49 पैसे बाई किया, और मैंने आपको इस पर कम से कम 10 से 20 वीडियो बनाई थी, और मैंने आपको बोला भी था कि ये शेयर 1 रुपये जरूर टच करेगा। सेम वैसे ही हुआ, ये शेयर 49 पैसे से लेकर 1 रुपये तक गया, जो कि इसका पहला टारगेट था। जहाँ बाकी यूट्यूब चैनल ये बोल रहे थे कि इसका टारगेट 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये होगा, बट दोस्तों मैंने आपको ये बोला था कि हम छोटा छोटा टारगेट लेके चलेंगे। पहले अपना टारगेट था 1 रुपये का, उसका मैंने आपसे बोला कि अब इसका टारगेट रहेगा 1 रुपये 20 पैसे का, वहाँ पे इस पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर ये वापस डाउन जाएगा 1 रुपये तक का। और मंडे के दिन ही मैंने शेयर के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने आपसे कहा था कि अब इसके अंदर अपर से लग सकता है। तो दोस्तों, आप वो वीडियो देख सकते हैं, पहले की वीडियो जो कि मैंने मंडे के दिन डाली थी, उसमें मैंने साफ बोला था कि ये शेयर जब 1 रुपये पर आएगा फिर इसके अंदर अप ट्रेंड आएगा और इसमें अपर सेल लग जाएगा। दोस्तों, एक्चुअली ये मैंने कैसे जाना, एक्चुअली मैं शेयर को बहुत ध्यान से देख रहा था, अध्ययन कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर वॉल्यूम क्या हो रही है। दोस्तों, इसमें वॉल्यूम जो सेलर की वॉल्यूम थी वो कम होती और बाय के वॉल्यूम्स में ज़्यादा होती, जिससे कि वैसे मुझे मालूम चला कि ये शेयर में अब अपट्रेंड आने वाला है। और दोस्तों, मैंने ऐसा ये भी कहा था कि जब ये शेयर 1 रुपये 20 पैसे के आसपास आएगा तब आप अपने आधे शेयर सेल कर देना। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब ये शेयर इसके अंदर फिर से रोड से लगेगा और ये शेयर फिर से डाउन जाएगा, तब आपके पास एक बेहतरीन मौका रहेगा इस शेयर को फिर से बाय करने का। और जिन लोगों ने या जिन इन्वेस्टर ने मेरी इस बात को ध्यान से या सीरियसली लिया होगा, तो दोस्तों आज उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा और दोस्तों आगे भी वो प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, अब हम इसमें कहाँ तक बन सकते हैं, कहाँ तक हमें इसमें रहना है। दोस्तों, एक लाइक कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि दोस्तों मैं आपके लिए और अच्छे से काम कर सकूं और आपके लिए अच्छे से वीडियो ला सकूं। तो फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है? दोस्तों, अगर आपने आज इस शेयर में एंट्री ली होगी, यानी कि आज इस शेयर को आपने 1 रुपये बाय किया होगा, तो आगे जो मैंने आपको टारगेट बता रखा है वो टारगेट रहेगा 1 रुपये 12 पैसे या 14 पैसे। दोस्तों, आप यहाँ तक बने रह सकते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, एक बात और बोलूँगा कि आप इस शेयर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। जो मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो इस शेयर में आप कम से कम 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये इन्वेस्ट करके चलें। बाकी दोस्तों, एक बात और बोलूँगा कि अभी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी या स्ट्रॉन्ग अपर सेकंड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी इस शेयर के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ ज़रूर है जो कि इसका मार्च का क्वार्टर रिजल्ट का है, बट दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये शेयर में इसी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
बाकी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपसे आपको कैसे लगती है, आपको उससे प्रॉफिट होता है या नहीं होता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।